वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सेवन्थ। एक्सरसाइज है 3.5। दिस बुक इज बेस्ड ऑन NCERT एज पर CBSE गाइडलाइंस। सबसे पहले एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ खास फॉर्मूलाज, कुछ खास बातों के बारे में जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए एब्सोल्यूट माइनस एक्स, यानी कि एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। यहाँ पर जो साइन आप देख रहे हैं माइनस एक्स के दोनों तरफ जो हमने यहाँ पर लाइन्स खींची हुई हैं, ये साइन है हमारा एब्सोल्यूट का। सो जब भी हम किसी भी नंबर को एब्सोल्यूट साइन के अंदर रखेंगे तो इसी तरह से रखना है जैसे हमने माइनस एक्स और यहाँ पर एक्स को रखा हुआ है। सो एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, यानी कि साइन क्या है, अगर प्लस का या माइनस का है तो भी कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है एब्सोल्यूट में, क्योंकि जब भी हम एब्सोल्यूट से कोई भी नंबर को बाहर निकाल लाते हैं एब्सोल्यूट के साइन से, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, साइन उसका अगर प्लस का भी है या माइनस का है तो साइन हट जाएगा और नंबर एज इट इज़ आ जाता है। सो बी क्या है हमारा, एक्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट ऑफ वाई। सी में एब्सोल्यूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई एब्सोल्यूट ऑफ वाई, लेकिन क्या होगा, वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो वाई है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। डी एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई। डी ई की हम बात करें तो एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एब्सोल्यूट ऑफ वाई। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर वन को। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो हमें यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी में कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, ओके तो हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहला जो पार्ट है ए 9/25 की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, इसी तरह से बी पार्ट में 9/13 की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन करते हैं पार्ट ए का, तो 9/25 एब्सोल्यूट का साइन लगाएंगे दोनों तरफ, जब भी हम एब्सोल्यूट के साइन से बाहर वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस का साइन हट जाता है, तो सिंपल वैल्यू हमारी लिखी जाएगी, यानी कि 9/25 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट बी, माइनस का 12/13 को हम रखेंगे एब्सोल्यूट साइन के अंदर, एब्सोल्यूट माइनस 12/13 इक्वल टू माइनस का जो साइन है वो हट जाएगा एब्सोल्यूट की वैल्यू से बाहर आने पर, एब्सोल्यूट के साइन से बाहर आने पर, तो क्या होगा, केवल 12/13 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखें पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन के ऑल पार्ट्स आपको करने हैं योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के में देखते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक की जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पार्ट ए हम सोल्व करते हैं, बाकी पार्ट्स करने हैं आपको योर सेल्फ। पार्ट ए में दिया गया है 3/2 × 4/5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो 3/2 × 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की वैल्यू को ऊपर और अपॉन की वैल्यू को अपॉन में मल्टीप्लाई करना है, तो 3/4 × 12 / 2/5 × 10। आगे कट कर लेते हैं 2 से तो 2/5 × 10 एंड 2/6 × 12, तो 6/5 इज द वैल्यू जो हमें फाइंड हुई, इसे कट होने के बाद 6/5 है। इसे रखेंगे हम एब्सोल्यूट के अंदर क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज की फाइंड करनी थी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6/5 इक्वल टू एब्सोल्यूट के साइन से जब हम बाहर निकालते हैं, तो मैंने बताया अगर प्लस या माइनस का कोई भी साइन है तो वो हट जाता है और सिंपल वैल्यूज की लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा 6/5 इज द आंसर। पार्ट बी देख लेते हैं, माइनस का 6/17 मल्टीप्लाई 51/-81, इसकी निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो पहले सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 6/17 मल्टीप्लाई 51/-81, तो 2 से कट कर लेते हैं किसको, सॉरी इसे कट करेंगे हम 3 से, तो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 2 = 6 2 = 21 हो गया, 3 × 7 = 21, तो ये माइनस का 6 2 × 3 से कट गया और माइनस का 81 3 से 27 times कट गया। ऐसी 17 से हम कट करेंगे 51 को, तो 17 3 = 51,
यहाँ से हो गया 2 × 3 अपॉन माइनस का 27, 3 से अब भी कट हो सकता है 27 नाइन टाइम्स, तो ये हो गया 2 × 9। अब निकालते हैं इसकी 2 × 9 की वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट के साइन में इसको रखेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ 2 × 9 इक्वल टू, तो यहाँ से जो माइनस का साइन हट जाएगा बाहर निकलने पर, तो 2/9 इज़ द आंसर। बाकी जो पार्ट्स हैं डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, वेरीफाई दैट एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स बाई टेकिंग एक्स इक्वल टू 6/11 कोमा -5/14 एंड -12/13। तो हमें ये जो दिया गया है एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। पहले हम एक्स बराबर 6/11 रखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू -5/14 रखेंगे और देन -12/13 रखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स की वैल्यू 6/11 करके सॉल्यूशन करते हैं इसका। व्हेन एक्स इक्वल टू 6/11 तो क्या हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, सो एक्स की जगह वैल्यू पुट अप करेंगे कितना 6/11, तो यहाँ पर माइनस का 6/11 क्योंकि माइनस एक्स है एब्सोल्यूट में, इक्वल टू कितना है एक्स यानी कि 6/11। तो एब्सोल्यूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब साइन उसका हट जाता है, अगर प्लस का है या माइनस का साइन है तो वो हट जाएगा और सिंपल वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहाँ हो गया 6/11 इक्वल टू 6/11, सो जो एनएचएस में है वो आरएचएस में है, सो इट इज़ प्रूव्ड, वही हमें प्रूव करना था एब्सोल्यूट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। पार्ट जो बाकी हमारे पार्ट्स हैं -5/14 करके आप इसे देखेंगे अपने आप, 12/13 को भी ऐसी पुटअप करके आप देखेंगे योर सेल्फ, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है वेरीफाई दैट एब्सोल्यूट एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट ऑफ वाई फॉर ईच। तो पार्ट ए में एक्स इक्वल टू 2/3 पुटअप करना है और वाई की वैल्यू करनी है 5/4 पुटअप। सॉल्यूशन करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट ऑफ वाई। तो हमने एब्सोल्यूट का साइन लगाया, टू एक्स की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 5/4 रखा इक्वल टू इधर राइट साइड में एब्सोल्यूट ऑफ एक्स यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट ऑफ वाई, वाई की वैल्यू 5/4। करते हैं सॉल्व इसको, तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे, 2 × 5 = 10 / 3 = 12 हो गया एब्सोल्यूट में इक्वल टू, यहाँ पर हमारे जो एब्सोल्यूट से बाहर वैल्यू आएगी 2/3 मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट ऑफ 5/x जो 5/4 है वो ऐसे लिखा जाएगा 5/4, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट से बाहर आएगा तो 10/12 ऐसी 2 × 5 = 10 और अपॉन में 3 × 4 = 12। तो दोनों वैल्यू क्या है हमारी सेम है, जो एनएचएस में है वो आरएचएस में है, तो इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, फाइंड ऑल रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज गिवन ब्लॉ। तो हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है फाइंड करनी है, जो कि नंबर दिया गया है 2/5 के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ओके यानी कि यहाँ पर दिया गया है फाइंड द रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर 2/5 दी गई है। तो इस जो रेशनल नंबर 2/5 के एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, तो 2/5 हो सकता है माइनस का 2/+5 हो सकता है, 2/5 हो सकता है या -2/5 हो सकता है, राइट। सो ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं योर सेल्फ प्यारे बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करें सभी क्वेश्चंस की और जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।